रामपुर से सपा विधायक आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं। अदालत ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है और जिसके बाद उनकी विधायकी जाना तय हो गया है। आजम खान ने 2019 में रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में चुनावी भाषण के दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी और रामपुर डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। जमानत पर बाहर रामपुर से सपा विधायक आजम खान की मुश्किलों में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है और इसके बाद उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने उन पर लगाया है, जिसके बाद आजम खान की विधायकी जाना भी तय हो गया है। साफ है कि अदालत का फैसला आजम खान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो चुका है। आजम खान ने 2019 में रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद खाता नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रामपुर के डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग से की थी और आजम खान के भाषण के वीडियो की जाँच के बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले में अब अदालत का फैसला भी आ चुका है और ये आजम खान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ये उसने देखिए, माननीय आजम साहब के मामले में माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों ने जो नफरती भाषण दिए उसके बाद मुकदमे लिखे गए, उन मुकदमों में क्यों चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, क्यों उनमें क्लोजअप रिपोर्ट दाखिल हुई? और विपक्ष के लोगों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए उनमें चार्जशीट दाखिल होती है, उनमें न्यायालय में पैरवी की जाती है, तो हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आखिर ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने आजम खान के सजा को लेकर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शायराना अंदाज में आजम खान पर हमला बोला है और कहा है कि जो आजम ने बोया है वो अब वही काट रहे हैं। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है। सपा विधायक आजम खान के सजा के ऐलान के बाद अब इस मामले पर सियासी तपिश भी बढ़ती दिख रही है, जहां पर आजम खान को हुई सजा को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जहां एक ओर सपा आजम खान की सजा को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने की बात कह रही है, जबकि बीजेपी का साफ कहना है कि आजम को उनके गुनाहों की ही सजा मिली, वहीं 3 साल कैद की सजा मिलने की वजह से आजम खान की विधायकी भी जाना तय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सजा के ऐलान के बाद आजम खान रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट के बाहर निकले और अपने चिर परिचित अंदाज में रिएक्शन दिया। आजम ने फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि मैं इंसाफ का कायल हो गया और एक बार फिर आपको आजम का बयान सुनवाते हैं। भाई नीचे हो कल यार, मैंने कहा ना मैं इंसाफ का कायल हूँ। संघर्ष रहा है, डेढ़ महीने 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा है। हिम्मत नहीं हारे आजम खान, ना हारेंगे, जिंदगी हारेंगे। भैया साइड।